इमरान खान का शुक्रिया। उनके चीफ ऑफ स्टाफ शहबाज गिल का केस अभी तक शह सुर्खियों में है। इस दौरान परेशान कुन सच्चाइयों और सहूलत के लिए बोले गए झूठों की पटारी भी खुल रही है। लोगों का कहना है कि इमरान खान को खौफ है कि शहबाज गिल कहीं फौज मुखालिफ मुहिम में उनके किरदार को बेनकाब ना कर दें। फौज के अफसरान और जवान इस मुहिम की वजह से मुश्तइल हैं। हालिया क्रैकडाउन की वजह भी यही है। दर हकीकत तहरीक इंसाफ के हलकों में ये खौफ पाया जाता भी है कि अगर मिस्टर गिल के सर पर कोर्ट मार्शल की तलवार लटकने लगती है तो वो कहीं खौफ के मारे इमरान खान के खिलाफ वादा मुआफ गवाह ना बन जाए। बिल्कुल जिस तरह 1978 में जुल्फिकार अली भुट्टो के खिलाफ कत्ल केस में उस वक्त की वफाकी सिक्योरिटी फोर्स के सरबरा मसूद महमूद वादा मुआफ गवाह बन गए थे। एक तरफ इमरान खान ने शहबाज गिल की रिहाई के लिए तूफानी प्रोपेगेंडा मुहिम शुरू कर रखी है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि उनके चीफ ऑफ स्टाफ को वहशियाना तशद्दुद और जिंसी हमलों का निशाना बनाया गया है। दूसरी तरफ उनकी अपनी पंजाब हुकूमत के वजीर दाखिला ने कहा है कि कैदी को कोई गजंद नहीं पहुंची। नीज पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन इस्लामाबाद के चोटी के डॉक्टर्स पर मुश्तमिल पैनल ने तस्दीक की है कि उन पर तशद्दुद का कोई सबूत नहीं मिला और ये कि वो सिर्फ ज़हनी दबाव का शिकार होकर लड़खड़ा गए हैं। इमरान खान ने पंजाब हुकूमत को हुक्म दिया है कि मिस्टर गिल को अडियाला जेल पंजाब से इस्लामाबाद पुलिस के हवाले ना करने दिया जाए, लेकिन ये हुक्म अदालती अहकाम की खुली खिलाफवर्जी होता जिसकी पादाश में वजीर आला पंजाब IGP जेल खाना जात DIG और सुपरिंटेंडेंट अडियाला जेल पर तौहीन अदालत लग जाती। और फिर जब वफाकी हुकूमत ने धमकी दी कि गिल को अडियाला जेल से लाने के लिए रेंजर्स भेजी जाएगी तो इमरान खान नरम पड़ गए। जब तमाम हरबे नाकाम हो गए तो वो एक बख्तरबंद कार में सवार होकर पिम्स की तरफ लपके। तहरीक इंसाफ के हामी चीखते चिल्लाते उनके पीछे थे। उन्होंने अस्पताल पर हल्ला बोलने की कोशिश की लेकिन ड्यूटी पर मौजूद पुलिस सिक्योरिटी ने एक बार फिर उन्हें नाकाम बना दिया। तहरीक इंसाफ ने PDM के रहनुमाओं को निशाना बनाने के लिए भी अपनी एक मुहिम शुरू कर रखी है कि उन्होंने भी ऐसे जुर्म का इर्तकाब किया लेकिन उन्हें मिलने वाली सजा मुख्तलिफ थी। वो पूछते हैं कि PDM के रहनुमाओं जैसे कि नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान, ख्वाजा आसिफ, मरियम नवाज वगैरह पर ऐसे ही जुर्म का पर्चा क्यों नहीं जब उन्होंने माजी में एस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद की थी। इनका जुर्म शहबाज गिल के जुर्म से मुख्तलिफ क्यों है? बिला शुबा इमरान खान ने 13 अगस्त के लाहौर के जलसे में इस इल्जाम को खूब उछाला और नौजवान शुरका इस पर हस्बे मामूल दीवानावार उछले कूदे, लेकिन दर हकीकत दोनों इल्जाम में कोई मुमासलत नहीं। PDM के रहनुमाओं ने यकीनन एस्टेब्लिशमेंट की जानबदारी और गैर आईनी सियासी मुदाखलत को हदफ तनकीद बनाया था। वो मुदाखलत जिसने मुल्क को इस नहज तक पहुंचा दिया है, लेकिन उन्होंने कभी इसकी सफों में इस तरह की बगावत की चिंगारी भड़काने की कोशिश नहीं की जैसे इमरान खान, शहबाज गिल और तहरीक इंसाफ के मीडिया कारकुनान ने की है और गुज़िश्ता कई माह से कर रहे हैं। अफसरान पर जोर दिया जा रहा है कि वो हाईकमान के शैतानी अहकाम को ना माने और अच्छाई यानी तहरीक इंसाफ का साथ दें। दरहकीकत इमरान खान के एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ शिकायत ये नहीं है कि इसने सिविलियन इख्तियार के दायरे में पांव क्यों रखा, बल्कि ये है कि इसने उनकी हिमायत क्यों नहीं की। इमरान खान ने बारहा गरजते हुए कहा है कि गैर जानिबदार तो जानवर होते हैं। यूटर्न को सियासत में रिवाज देने वाले ने चमकारते हुए कहा, अपना मौकफ तब्दील करके मेरा साथ दें, अभी कुछ नहीं बिगड़ा। अब इमरान खान ने PDM की सिविलियन हुकूमत को शहबाज गिल के खिलाफ केस से बरी जिम्मा करार देते हुए एस्टेब्लिशमेंट की तरफ उंगश नुमाई की है। उनका कहना है कि जब वो इक्तदार में थे तो उस वक्त भी सहाफियों और सोशल मीडिया कारकुनान के गायब हो जाने के पीछे हर जगह मौजूद खुद को कानून से मावरा समझने वाली एजेंसीज का हाथ था। ये उस एस्टेब्लिशमेंट पर जिसने खान साहब को इक्तदार में पहुंचाया और 4 साल तक सहारा दिए रखा था। बकौल चौधरी परवेज इलाही, वजीर आला पंजाब उनके गंदे कपड़े भी तब्दील करते रहे। सरकशी दिखाते हुए मजीद कीचड़ उछालने की धमकी भी दी गई है। इमरान खान ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की गैर जानबदारी और दयानतदारी पर भी जाती हमले करना शुरू कर दिए हैं। अब वो कह रहे हैं कि उनकी हुकूमत ने मौजूदा चीफ इलेक्शन कमीशन की नामजदगी एस्टेब्लिशमेंट के मशवरे पर की थी। ये बात काबिले फहम है कि उन्हें तौहीन के इल्जामात पर तलब किया गया है। इनके शाह से ज्यादा शाह के वफादार साबिक वजीरों और मुशीरों से भी बाज़पुर्स होगी। माजी में दस्तबस्ता माजरत से शुरफा अपनी जान बचाने में कामयाब हो जाते थे, लेकिन अब इमरान खान ने मुख्तलिफ सरकारी एजेंसीज और महकमों की तरफ से तहकीकात और इंक्वायरी के लिए तलबी को नजरअंदाज करने और पेश होने से इनकार की रविश अपना ली है। उन्हें गैर कानूनी इकदामात और कानून से इनहराफ जैसे इकदामात का जवाब देने के लिए तलब किया जा रहा है। शर्म करो IG, इस्लामाबाद IG, तुम और DIG, तुम्हें तो हमने नहीं छोड़ना, तुम्हारे ऊपर केस करना हमने। और मैजिस्ट्रेट साहिबा, जेबा, आप भी तैयार हो जाए, आपके ऊपर भी हम एक्शन लेंगे।
یہ بھی دلیل دی جاتی ہے کہ عمران خان کے خلاف نااہلی کا کیس الیکشن کمیشن میں زیر التوا ہے، جو ایک ماہ میں اپنے منطقی انجام تک پہنچنا ہے۔ اگر عمران خان کو سزا ہو جاتی ہے تو وہ ممکنہ طور پر پوری توانائی میدان میں جھونک دیں گے۔ وہ سر پر لٹکنے والی اس تلوار سے آگاہ ہیں، یہی وجہ ہے کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ ان کی بے قراری بڑھتی جا رہی ہے۔ عمران خان کو قریب سے جاننے والوں کا کہنا ہے کہ وہ اپنی مقبولیت کے نشے سے سرشار ہیں اور وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اسی طرح اسٹیبلشمنٹ کے ادا شناس کہتے ہیں کہ ذاتی اور ادارہ جاتی اسٹیکس اتنے بڑھ چکے ہیں کہ اب نرم سلوک کی گنجائش نہیں بچی۔ اس طرح اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان تصادم کی فضا گہری ہوتی جا رہی ہے۔ جب عمران خان کو اقتدار سے نکالا گیا تو اس وقت ان کی مقبولیت کا گراف پست ترین تھا۔ اگر پی ڈی ایم حکومت آئی ایم ایف کے پروگرام پر دستخط کر کے پاکستانیوں کے لیے مشکلات بڑھائے بغیر انتخابات کی طرف چلی جاتی تو پاکستان مسلم لیگ نون بہت آرام سے حکومت بنا سکتی تھی، لیکن مسلسل مشکل اور غیر مقبول فیصلے کرتے ہوئے اس کی مقبولیت کو متدریج زخ پہنچی ہے۔ دوسری طرف تحریک انصاف کی مزاحمت نے اس کی مردہ رگوں میں ایک بار پھر زندگی کا لہو دوڑا دیا ہے، لیکن جب وقت کے ساتھ معیشت میں بہتری آتی جائے اور عمران خان کے حامیوں کے جذبات پر مایوسی یا ناکامی کا غلبہ طاری ہونے لگے گا تو یہ توازن آسانی سے تبدیل بھی ہو سکتا ہے۔ مزید عمل اور رد عمل کے لیے اس منظر نامے پر نگاہ رکھیں۔